मॉर्निंग फ्रेंड, मॉर्निंग हो चुकी है और शाम से देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है। और मेरे हस्बैंड तो रेडी हो रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, 7:30 हो गया है और 8 बजे वाली की ट्रेन है। सो अब हम निकलते हैं रेलवे स्टेशन। और ये है चार बाग, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये रात में ज़्यादा चमकता है ना, बहुत ही ज़्यादा लगता है सुबह मस्त। यहाँ मेरे हस्बैंड मास्क पहन रहे हैं। हम जब मेट्रो से आए थे ना ऊपर से रात में, तो वहाँ से देखा था मैं चार बाग, इतना प्यारा, इतना चमक रहा था ना फ्रेम, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो अब चलते हैं फटाफट से, 8 बजे हमारी ट्रेन है और 8 बजने वाले हैं। सो हमारी ट्रेन ये रही, सो चलते हैं अब, बैठते हैं ट्रेन में। सो फाइनली हम लोग रोजा पहुँच गए फ्रेंड। ज़्यादातर ना रोजा में ना ट्रेनें रुकती नहीं है, साझापुर रुकते हैं। हमें लगा कि ये वाली ट्रेन भी साझापुर रुकेगी, फिर साझापुर से हम ऑटो करके हम रोजा आते हैं। सो ये रुक गए ट्रेन, तो चलो सही हो गया, अब हम सीधे घर पहुंच जाएंगे। रूम पर घर पे पहुंच गए हैं और घर की हालत भी ऐसी हो रही है ना पूरी, मतलब क्या बताऊँ। एक हम सुबह सुबह चले गए थे, सुबह 6 बजे निकले ना, तो कमरे की हालत बिल्कुल बेकार हो रखी है। सो फटाफट से लें साफ सफाई करते हैं, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि 12 बज चुके हैं और भूख भी लगी रही है। फ्रेंड हम लोग का खाना पीना सब हो चुका है, अब हम बैठे हैं और मेरे हस्बैंड कुछ लेके आए हैं मेरे लिए। मेरे हस्बैंड लेके आए मेरे एनिवर्सरी गिफ्ट लेके आए, देखो रिंग लेके आए, खोलो। रिंग कहाँ गई है? ही नहीं, रिंग है अंदर। वाह, तो ये हम लोग के पास दूध नहीं था क्योंकि हम लोग ने 2 दिन के लिए दूध मना किया था। और आज ना हम लोग कहीं शादी में जाने वाले थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की दोस्ती की शादी थी आज, तो हमें वहाँ भी जाना था। वरना हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना कि हम लोग मन ही नहीं करा जाने का। और हमें शादी में जाने के चक्कर से ही हम लोग जल्दी आए थे और इस वजह से ही अब इतनी ज़्यादा थकान लग गई ना ट्रेन में आना जाने करके, बिना इतना ज़्यादा थक जाते ना फ्रेंड मतलब। और हम आए, खाना पीना खाया और सीधे सो गए थे, मतलब इतनी भयंकर नींद आई थी ना, मतलब ऐसा लगा था कितनी ज़्यादा थकान लगी है करके। तो इस वजह से हम लोग का प्लान हो गया थोड़ा चेंज, मेरे हस्बैंड का नहीं जाते है करके। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप जाए तो आप चले जाए, मैं तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। सो बस इसलिए हम शादी में नहीं गए, क्योंकि हम 2 दिन का दूध खैर हमने मना किया था। वो कोई बात नहीं भैया, कल से लेके आ जाएंगे। सो मैंने कहा अभी दूध ले आओ करके, वैसे हमने काली चाय बना के तो हमने पी ली है, दूध आ जाएगा। तो मैंने कपड़े भी नहीं उठा रखे, उठा दी। तो मैं बस खाना बनाने लग गई हूँ, मैं बना रही हूँ अंडे की कड़ी, प्याज भून रहे हैं और यहाँ पर ये मैंने टमाटर भी ग्रेट कर लिया है। फ्रेंड हम लोग का खाना पीना सब हो चुका है और मेरे सारे काम हैं बिल्कुल हो गए हैं डन। अब मैं यहाँ पर दूध गर्म कर दी अपने हस्बैंड के लिए। तो फ्रेंड अभी ना शहद हम लोग के पास थोड़ा ख़त्म हो गया है, सो अभी हम थोड़ा चीनी से ये काम चला लेंगे। मेरे हस्बैंड को शहद वाला दूध अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड देखो यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं नूडल्स। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर रखा है, हो रहा है अभी कि हम इन नूडल्स को उबालेंगे। यहाँ पर को मेरे हस्बैंड हैं सब्जियाँ चॉप कर रहे हैं तो आज मेरे हस्बैंड बनाएंगे हक्का नूडल्स। सो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने शुरू कर दिया है नूडल्स बनाना।
यहाँ पर देखिए सारी वेजिस है, कट कर लिए मेरे हस्बैंड ने। सो यहाँ पर मेरे हस्बैंड नूडल्स बनाने लग गए हैं। सो यहाँ पर सारी वेजिस इन्हें डाल दिए और मुझे नहीं आते ये नूडल्स बनाने, मेरे हस्बैंड को ही आते हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं हमेशा ही, मैं नहीं बनाती कभी। नमक बस ये थे, काफी यम्मी दिख रही है। तो हम इनके तैयार है। सो हम लोग की नूडल्स है बिल्कुल बन गए हैं। सो फ्रेंड हम लोग का नहाना धोना भी है, हो चुका है और टाइम हो गया है, 1 बज गया है और आज हम लोग खाना नहीं बना रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते कि आज खाना मुझे नहीं खाना है। मैंने कहा ठीक है। सो फ्रेंड मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर गए थे, सो अभी देखो चाट लेके आए हैं और इसमें रसगुल्ले लेके आए हैं और इनको अमरूद खाने थे इसलिए मैंने कहा अमरूद। सो ये है देखो हमारी चाट, सो इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ये है चटनी, खट्टी चटनी मीठी चटनी है, खट मिक्स। ठीक। सो चाट है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा यमी हो रही है, जो खट्टी मीठी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, तो हम इंजॉय करते हैं अपनी चाट। सो ये देखिए फ्रेंड मेरे हस्बैंड रसगुल्ले भी लेके आए हैं क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैंने इनसे कहा था 2 लेके आना तो ये चार। सो अब हम रसगुल्ले खाते हैं, सो हम आज ये सब खाने वाले हैं तो इसलिए आज हम खाना नहीं बना रहे हैं, है ना। गरम गरम अच्छे हो रहे हैं, अभी खाओ। छोड़ो।